इस इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा बिठा दिया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई की बात करें तो कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा ग्राउंड वर्क में त्राल और बारामूला से दो दहशतगर्दों और एक अंडरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार सेंसिटिव इलाकों पर पहरा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना ISI और जैश ए मोहम्मद मिल करके रच रही है साजिश। सियालकोट और बिम्बर गली के जरिए 6 से 7 आतंकी समूह भारत में घुसने को तैयार। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना ISI और जैश ए मोहम्मद 6 से 7 समूहों को सियालकोट और बिम्बर गली के जरिए भारत में घुसपैठ कराने की कोशिशों में लगी है। और इस बीच जो आतंकी हैं उन्होंने कुछ नए रूट एक्सप्लोर किए हैं, जिनके रास्ते आतंकियों को, जो कि 6 से 7 समूह हैं, उनको जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने के लिए इस समय जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने BSF भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस को अलर्ट कर दिया है और पूरे बॉर्डर क्षेत्र में इस समय, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहाँ पर चौकसी निगरानी बढ़ा दी गई है। तलाशी मुहिम के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पर भी चौकसी बढ़ा दी है। कई मोबाइल पोस्ट भी बनाई गई हैं। हमले के अलर्ट को लेकर जवान लगातार इन इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दरअसल सर्दियां पड़ते ही पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी के वाकयात बढ़ जाते हैं। इनपुट है कि इस बार 4 लॉन्च पैड से दरअंदाजी की साजिश रची गई है। फिलहाल हिफाजती दस्ते दहशतगर्दों की इस साजिश को नाकाम करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KSTV। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट UK देवनाथ जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है देवनाथ साहब आपका। जिस तरह से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार दहशतगर्दी को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हमारी फोर्स और सुरक्षा बल भारी बल में तैनात हैं और लगातार उनकी तरफ से जो सर्च ऑपरेशन हैं वो अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से ये खुफिया इनपुट सामने आ रहा है कि 120 ट्रेन दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत भेजने की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से की जा रही है, लेकिन ऐसे में इस तरह की सूरत हाल से किस तरह से निपटा जा सकता है और किस तरह के अब सख्त कदम भारत को इस पर उठाने होंगे और किस तरह इससे बचा जा सकता है? भारत सरकार जो है ऑलरेडी पाकिस्तान सरकार के संपर्क में है। हमने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान के सरकार को यह बताया है कि इसी घुसपैठ की जो कार्रवाइयां पाकिस्तान अंजाम दे रहा है हिंदुस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर, खासतौर से जो दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहा है वह सही नहीं है। और अब भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को कहा है कि वह इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर ही रखे। शाहबाज शरीफ तो स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि वो भारत के साथ अपनी ताल्लुकात को अच्छा करने का एक इरादा रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शाहबाज शरीफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर से वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें हम पाकिस्तान या ISI का नाम ले सकते, पाकिस्तान की आर्मी या ISI का नाम ले सकते हैं, वो शाहबाज शरीफ के फुल कंट्रोल में नहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर में खलबली पैदा करते रहे ताकि भारत को हमेशा बैकफुट पर रहना पड़े। अभी खबरों के अनुसार पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम है वो कम से कम 7 जगह पर तैयार है इन घुसपैठियों को भारत में घुसाने के लिए। उनका मकसद ये है कि पीर पंजाल की पहाड़ियों में, जैसे नीलम घाटी है, किशनगंगा हम बोलते हैं, उस तरफ जब अभी नवंबर के अंत तक भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो उसके पहले ही इन दहशतगर्दों को भारत में घुसाना। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, रॉ के पास और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास, और काफी हद तक मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में भी सटीक जानकारी है कि ये दहशतगर्द कब, कहां से और कैसे भारत में घुसपैठ करेंगी। तो जैसे ही ये भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर लेंगे, इन लोगों को धर दबोच लिया जाएगा। इस बार हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों को जिंदा पकड़ सकें ताकि इनके इंटरोगेशन के बाद जो जानकारी हासिल आए उसको हम ना सिर्फ पाकिस्तान को बताएंगे वरन दुनिया के दूसरे देशों को भी बताएंगे। जी
बिल्कुल देवराज जी, इस दौरान जिस तरह से आपने जिक्र किया, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, आप भी जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि जो भी दहशतगर्द हैं, जो भी जम्मू कश्मीर में जिन्हें पकड़ा जाता है उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए, जिंदा उनको पकड़ा जाना चाहिए, जिसकी वजह से काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका पता लगाया जा सकता है, और आपकी तरफ से भी ये कहा गया है। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि उन्हें देखकर पकड़ा जाना चाहिए या फिर उन्हें मारने की भी जो इजाजत होती है वो दी गई होती है? जी हाँ, जितने लोकल कमांडर्स हैं उनको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि दहशतगर्दों को जहां तक हो सके जिंदा पकड़ो या घायल करके पकड़ लो। उनको मारने की कोशिश आमतौर पर नहीं की जाती जब तक कि वो उस वक्त, उस दौरान, उस मिनट या उस सेकंड में वो फायरिंग करके सिविलियंस को कैजुअल्टी करने की कोशिश ना कर रहे हों। दहशतगर्दों को ऊपर जो जो फौज में, बीएसएफ में या पुलिस में जो फायर की सिखलाई होती है वो दो तरह की सिखलाई होती है। एक तो है कि फायर टू किल और एक होता है फायर टू इंजर। फायर टू किल जब होता है तो निशाना जो है दहशतगर्दों के छाती पर या उनके सिर पर लगाया जाता है, और जब फायर टू इंजर का हुक्म होता है तो निशाना जो है दहशतगर्दों के कमर के नीचे से के हिस्से में, पैरों की तरफ होता है। तो अभी जितने ऑर्डर आमतौर पे दिए जाते हैं वो हैं फायर टू इंजर, यानी उनको चोट लगे, वो उनके पैरों में, घुटनों के पास गोली लगे, ताकि वो अगर किसी सिविलियन को अपने AK-47 या दूसरे हथियार से नुकसान पहुंचा रहे हैं उस वक्त तो उसे रोक दिया जाए। देखिए, 10 मरे हुए दहशतगर्द हमारे किसी काम के नहीं है, कोई भी काम के नहीं है। वो भारतीय फौज को या हमारी J&K पुलिस को उसको चुपचाप कहीं पर दफना देना पड़ता है, लेकिन अगर एक भी जिंदा दहशतगर्द हमारे हाथ में आ जाता है तो इंटरोगेशन के हम बहुत प्यार से उससे सवाल पूछते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं, उसको अच्छे कपड़े देते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। तो जब वो जवाब देता है उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है और वो रिकॉर्डिंग से हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि वो कहां से घुसा, कैसे घुसा, उसके कमांडर्स का नाम क्या है, क्या उसे मालूम है कि उसके कमांडर को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिंदा दहशतगर्दों को ही पकड़े। जी बिल्कुल देवराज जी, ऐसे में जिस तरह से हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर भी एस जयशंकर की तरफ से भी जो विजिट है पाकिस्तान में वो की गई थी, जो कहा जा रहा था कि जो पॉजिटिव संकेत हैं वो मिलने की उम्मीद है, और ऐसे में इस तरह की जो खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, और अभी बड़ी खबर है कि 120 ट्रेंड दहशतगर्दों को भारत में घुसाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, तो क्या जिस तरह से जो बातचीत का तनाजा है उस पर किया जा रहा है कि बातचीत करनी चाहिए लेकिन फिर कहा जाता है कि बातचीत वहां पर किससे करें क्योंकि वहां पर सब आर्मी के कंट्रोल में है, जिस तरह आपने कहा कि शहबाज शरीफ के हाथ में सब कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या कदम भारत उठाने की सोच सकता है, क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, भारत के पास कई ऑप्शंस हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि हम पाकिस्तान के साथ बात ही ना करें। ऐसा हमने कई बार किया है। दिक्कत पाकिस्तान के साथ ये आती है कि जब भी हम उनके साथ बात करते हैं तो वो सामने जब आते हैं तो बातचीत कुछ करते हैं और पीठ पीछे और कुछ कार्रवाई कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कारगिल के टाइम पे भी हुआ था। सामने वो दोनों तरफ के प्रधानमंत्री मुस्कुराकर हाथ मिला रहे थे कारगिल के ठीक पहले, और पीछे से पाकिस्तान आर्मी जो है अपनी फौज को, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को कारगिल की पहाड़ियों पर तैनात कर रही थी। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि हम उनसे बातचीत करें, लेकिन बहुत ध्यान से करें, अपने आंख नाक खोलकर सूंघते सूंघते उनसे बातचीत करें। तीसरा ऑप्शन भी है, जैसा हमने उरी में किया, जैसा हमने बालाकोट में किया जी। लेकिन देखिए, इंडिया बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी है और हम बात बात पर एक उरी या बालाकोट जैसा अंजाम लेकिन हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तैयार है। अगर भारत सरकार से हुक्म मिलता है तो एक घंटे के अंदर ही हम कार्रवाई कर सकते हैं।